नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का अद्भुत विशेषांक महाराज जी के विषय में एक बहुत ही अद्भुत जानकारी है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आप में से काफी अनन्य दर्शक एक प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं कि महाराज जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या महाराज जी से जुड़ने के लिए हमें कौन से ऐसे कार्य करने होंगे जिससे महाराज जी की कृपा, महाराज जी की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए। तो इसी प्रश्न के क्रम को थोड़ा आगे लेकर हम चलते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि महाराज जी की अद्भुत कृपा आपको कैसे प्राप्त हो सकती है, महाराज जी से जुड़ने का क्या मार्ग है, और कैंची धाम संबंधित जानकारी आप सभी से साझा करेंगे। देखिए, जब भी कोई नए अनन्य दर्शक या हमारे मन में कोई ऐसी बात आती है कि महाराज जी से जुड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत ही सरल प्रश्न है और इसका बहुत ही सरल सा उत्तर है। जो भी जन अपने जीवन में सक्षम है, जो कैंची धाम आ सकते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान सी बात है कि वह कैंची धाम के लिए प्रस्थान करें और महाराज जी के दर्शन करें। केवल दर्शन मात्र से ही आपको ऐसी सकारात्मक ऊर्जा कैंची धाम से प्राप्त होती है जो आपके जीवन में सदैव आजीवन साथ रहती है। कैंची धाम में जब आप प्रवेश करते हैं तो कैंची धाम का जो वातावरण है वह स्वयं ही इतना सकारात्मक, इतना ऊर्जावान और इतना जागृत है कि आपके जीवन में कैंची धाम जाने मात्र से ही सकारात्मकता का और एक नए मार्गदर्शन का पुनर्जागरण होता है। अब देखिए, जब आप कैंची धाम जाते हैं तो महाराज जी का जो विग्रह है, जो हमारे अनन्य दर्शक कैंची धाम जा चुके हैं या देखा हुआ है कैंची धाम जिन्होंने, उनके लिए भी बहुत अद्भुत जानकारी है। जब भी आप कैंची धाम जाते हैं तो जो महाराज जी का विग्रह है वह इतना ऊर्जावान है कि महाराज जी को देखकर आप यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि स्वयं महाराज जी हैं या वह विग्रह है। इतना अद्भुत और इतना चमत्कारिक अनुभव वह होता है कि जब मैं प्रथम बार कैंची धाम गया था तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि महाराज जी की कुटी के दर्शन और महाराज जी के विग्रह के सामने काफी देर तक मैंने महाराज जी के दर्शन किए और मन में एक नई ऊर्जा, एक नया नयापन सा, और पूरे जीवन में जैसे मानो कुछ बहुत अद्भुत हो रहा था, ऐसा अनुभव मुझे वहां से प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात ही मैंने जब अपने जीवन में पुनः लौटकर अपने कार्य क्षेत्र को संभालना प्रारंभ किया तो मुझे भी बहुत ही अद्भुत अद्भुत अनुभव हुए। तो अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी मैं आपको बताता हूं कि जब आप कैंची धाम जाते हैं तो वहां के वातावरण में कुछ ऐसी ऊर्जा है, क्योंकि महाराज जी जब प्रथम बार कैंची धाम के स्थान में प्रवेश महाराज जी ने जब किया था तो वहां पर महाराज जी ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर सोमवारी बाबा जी की तप स्थली है। तो वह पहले से ही बहुत ही जागृत स्थान था, तो इसीलिए महाराज जी ने उसका फिर से पुनरुद्धार करके वहां पर कैंची धाम की स्थापना की। तो इसीलिए वह स्थान पहले से ही बहुत जागृत है, एक बहुत महान संत की तप स्थली रहा है। तो कैंची धाम की जो ऊर्जा है, जब वह आपकी ऊर्जा से मिल जाती है तो आपको नए नए मार्गदर्शन, जीवन में नई राह और जीवन को नए तरीके से जीने का एक अनुभव प्राप्त होता है। तो इसीलिए मैं पहले तो सबसे यही कहूंगा कि यदि आपके लिए यह सक्षम हो सके कि आप कैंची धाम जा सकते हैं तो एक बार इस दिव्य स्थान के दर्शन अवश्य करिए। जब आप कैंची धाम जाते हैं तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, वह सकारात्मक ऊर्जा आपसे आजीवन के लिए जुड़ जाती है। जैसा कि महाराज जी ने कहा भी है कि जो भी भक्त हमारे पास आता है उस भक्त से हमारा जन्म जन्मांतरों तक का बंधन हो जाता है और वह बंधन आजीवन रहता है। महाराज जी कहते हैं भले ही वह अनन्य भक्त मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन जन्म जन्मांतरों तक, अनंत तक मेरा और उसका साथ बना रहता है। मैं ऐसे भक्त का कभी हाथ नहीं छोड़ता। तो ये महाराज जी के वाक्य हैं जो कि बड़े ही सटीक हैं, बड़े ही अटल सत्य हैं। तो यह जीवन में आपके एक नई ऊर्जा को और एक नए मार्गदर्शन को लेकर आता है। अब आपके दूसरे प्रश्न का प्रत्युत्तर आपको प्राप्त होगा
उसमें जैसे आप सभी पूछते हैं कि महाराज जी से जुड़ने के लिए क्या करना है, देखिए महाराज जी से जुड़ने के लिए आपको कोई विशेष पूजा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी बड़े दयालु हैं, अपने प्रत्येक भक्त के हाल को, उसकी परिस्थिति को महाराज जी समझते हैं। तो जैसे भी आपके मन में महाराज जी के लिए भाव है, भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यही सब कुछ है। मन का भाव ही सबसे बड़ी बात होती है, यही ईश्वर भी कहते हैं। महाराज जी से जुड़ने के लिए आपको कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सामर्थ्य है तो आप महाराज जी का एक छवि चित्र प्राप्त कर सकते हैं। छवि चित्र को आप अपने घर में स्थान दे दीजिए, महाराज जी को एक विशिष्ट स्थान पर आप विराजमान कर लीजिए। विशिष्ट स्थान का अर्थ यहाँ पर यह है कि जहाँ पर भी आपको लगता है कि यह वह स्थान है जो आपके घर में सबसे पवित्र जगह है, और बेहतर होगा कि आप उसको एक ऐसी व्यक्तिगत जगह पर रखें जहाँ पर महाराज जी के छवि चित्र पर आपकी दृष्टि पड़ते रहे और जहाँ पर भी आप अपनी सहूलियत के अनुसार उन्हें स्थान दे सकते हैं। इसके पश्चात आप क्या कर सकते हैं कि जैसे रोजमर्रा का जो आपका जीवन है उसी में महाराज जी को आप शामिल कर लीजिए, यह सबसे अच्छा होता है। मेरा भी व्यक्तिगत जो जिस प्रकार से मैं पूजा विधि विधान महाराज जी की करता हूँ उसमें मैं बहुत सामान्य तौर पर महाराज जी को भी अपने घर का एक सदस्य की तरह मानता हूँ, जो कि घर के बुजुर्ग सदस्य हैं। मैं ऐसा महाराज जी को व्यक्तिगत तौर पर अपने घर में मानता हूँ। तो उसी प्रकार से आप भी महाराज जी को अपने घर में विशिष्ट स्थान प्रदान करिए, अपने परिवारजनों की तरह महाराज जी को आप मानना प्रारंभ करिए। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि आप अपनी सभी बात, सभी प्रकार के हालात, जो भी आप अपने मन में रखते हैं बात, वे महाराज जी से कह सकते हैं। और यह बड़ा सरल होना चाहिए, मैं आपको फिर से बता दूं, यह बहुत सरल होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से कोई विशेष पूजा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको बहुत बड़े क्रम पर मत देखिए। महाराज जी को आप सामान्य तौर पर भी अपने मन की बात कह सकते हैं, अपने जितने भी आपके मन के विचार हैं, कोई असमंजस है, कोई नया कार्य यदि आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं, कुछ भी बात वह हो सकती है जो आपके मन में चल रही है, वह महाराज जी के छवि चित्र के सामने आप कहिए, उनको अपनी हालातों से अवगत कराइए और महाराज जी से उसका हल आप मांगिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना आप ही कर सकते हैं। बहुत से अनन्य दर्शक कहते हैं कि आप हमारे लिए भी प्रार्थना करिए। प्रार्थना मैं हर क्रमांक में करता हूँ हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए कि उनका जीवन बेहतर बेहतर और बहुत बेहतर हो जाए, सभी का स्वास्थ्य उत्तम रहे। मैं हर क्रमांक में ऐसी प्रार्थना महाराज जी से करता हूँ, लेकिन यह बात भी सत्य है कि आपको अपने हालात स्वयं पता है, तो इसलिए आप अपने हालात महाराज जी से स्वयं कहेंगे तो वे ज़्यादा फलदायी होगा, क्योंकि आपके जीवन में क्या परेशानियाँ हैं वह केवल आप जानते हैं और ईश्वर जानते हैं और महाराज जी जानते हैं। तो इसलिए अपने मन की जो भी बात है महाराज जी के समक्ष कहिए, उससे आपका हृदय हल्का होगा। और यदि जीवन में संभव हो सके, यह परम आवश्यक भी नहीं है, यह परम आवश्यक नहीं है कि यदि संभव हो सके तो एक बार कैंची धाम के धाम दर्शन जो है वह दिव्य दर्शन अवश्य करिए। वहां से आप एक ऊर्जा अपने अंदर जागृत करते हैं। और यदि यह संभव ना हो सके, क्योंकि बहुत से अन्य दर्शक हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है कि हम कैंची धाम होकर आए, महाराज जी के दर्शन करके आए, तो भी कोई बात नहीं। अगर आप दर्शन कैंची धाम के नहीं कर सकते हैं और आपके पास महाराज जी का विग्रह है या महाराज जी का छवि चित्र है, तो वह भी बहुत है, बहुत है वह भी, क्योंकि जब स्वयं महाराज जी ही आपके समक्ष हैं तो महाराज जी जो है वही आपकी हर बात को सुनते हैं। कैंची धाम में भी आप जाएंगे तो महाराज जी से अपने मन की बात कहेंगे, और यदि आप छवि चित्र के सामने भी महाराज जी की बात, अपने मन की बात कह रहे हैं, तो वह भी उतना ही कारगर होगा, वह भी उतना ही फलदायी होगा। इसमें कोई बात नहीं, यदि आप सक्षम नहीं है कैंची धाम जाने के लिए तो भी कोई आपको इसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तो महाराज जी से अपने मन की बात कहने में संकोच मत करिए। आप जो भी बात कहते हैं, जो भी आपके हालात हैं, जो भी आपके जीवन में परिस्थितियां चल रही हैं, महाराज जी पहले से ही उससे बहुत अच्छी तरह से अवगत हैं। लेकिन अपने मन की बात को कहने में संकोच भी मत करिए। सक्षम हो सके तो आप अपने मन की सारी बात उनसे कहिए, आपकी परेशानियां कहिए, और महाराज जी से कहिए कि महाराज जी मुझे इस कठोर परिस्थिति से बाहर निकालिए, मेरे जीवन में सुख साधन प्रदान करिए, मेरे जीवन को भी बहुत ही
विशिष्ट बना दीजिए। इस प्रकार से जो भी आप जैसे भी अपनी प्रार्थना करते हैं, महाराज जी से अपनी प्रार्थना कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करना है, मन की बात बतानी है और आपका जीवन बहुत 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 ही आपके जीवन में महाराज जी की कृपा बरसेगी। महाराज जी कभी भी किसी को दुख में नहीं देख सकते, महाराज जी के शब्द हैं जो भी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। महाराज जी हर भक्त से, हर भक्त को अपने हृदय से आशीर्वाद देते हैं, जो कि बहुत ही जीवन का एक बहुत विशिष्ट पहलू होता है। आप अपने हृदय से महाराज जी को याद करिए। और महाराज जी कहते हैं, स्वयं महाराज जी के वाक्य हैं कि कोई भी भक्त यदि परेशानी में होता है तो हमसे रहा नहीं जाता, हम उस भक्त की परेशानी को दूर करने स्वयं आ जाते हैं और उसकी सारी परेशानियों को जीवन से उसके पूरी तरह से हटा देते हैं और उसे अपना अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि इसीलिए महाराज जी को दयालु कहा जाता है कि महाराज जी को कोई भी भक्त याद करता है तो महाराज जी पहुँचते ही हैं, किसी न किसी स्वरूप में पहुँचे लेकिन महाराज जी पहुँचते हैं। महाराज जी अपने वादे के बहुत पक्के हैं। महाराज जी ने यदि किसी को एक बार कोई बात कह दी तो उस बात को पूरी तरह से निभाते हैं। यह महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता है। महाराज जी ने सशरीर भी कईयों को दर्शन दिए हैं और सूक्ष्म शरीर में जाने के बाद भी महाराज जी ने, ऐसे बहुत भाग्यशाली भक्त हैं जिनको महाराज जी ने दर्शन दिए हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में महाराज जी से मेरा 2 बार साक्षात्कार हुआ है, जिसमें, और यह बात भी सत्य है कि जब महाराज जी आपकी जब आपके जीवन में आपको दर्शन देते हैं उस समय बात आपको समझ में नहीं आती, लेकिन जब महाराज जी निगाहों से ओझल हो जाते हैं उस बार यह बात समझ में आती है कि यह तो महाराज जी थे। इसीलिए मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से भी आपको यह अनुभव बता रहा हूँ कि 2 बार मैंने भी महाराज जी के साक्षात दर्शन किए हैं और महाराज जी ने किसी न किसी प्रकार से मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। तो इसीलिए आप सभी से यह मैं कहता हूँ कि आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, जीवन बहुत सरल है। महाराज जी के सानिध्य में आ जाइए। यदि आप शरणागत होकर महाराज जी के पास आते हैं तो महाराज जी आपके जीवन के सारे कष्टों से आपको उभार सकते हैं। महाराज जी के लिए बहुत ही आसान सा कार्य है। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर आपको आज इस विशेषांक से प्राप्त हुए होंगे। इसी क्रम में मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।